इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इट इज मेड ऑफ वन और मोर कार्बन, दैट इज अगर एक कार्पेल है तो मोनो कार्पिलरी, और अगर ज्यादा है मल्टी कार्पिलरी। अब कार्पेल कैसे बनता है? तो बच्चों आपने ये देखा ये सबसे ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं, इस वाले को स्टाइल कहते हैं, इस वाले को नीचे वाले को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और जो कि प्लेसेंटा के द्वारा चुपका रहता है, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा। जैसे मां से बच्चा चिपकता है इसमें भी ऐसा ही होता है। तो यहां पे हमको एक बात समझ में आई कि जो कार्पल है कंसिस्ट ऑफ सबसे पहला पार्ट स्टिग्मा ऊपर वाला प्लेटफॉर्म टिप ऑफ द स्टाइल, एंड रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, इसी पे पॉलन आके बैठता है। पॉलन ग्रेन यहां पे आके बैठ जाएगा, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हिस्सा है वो है स्टाइल, इलोंगेटेड है, लंबा, ट्यूब लाइक है, पैसेज फॉर पोलन ट्यूब, जो पोलन बैठा है उसमें से ट्यूब निकलेगी और इसमें से होके नीचे आएगी। ये पोलन ट्यूब आ रही है। तीसरा सबसे नीचे का हिस्सा हो गया ओवरी, ये जो ओवरी है ये बेसल पार्ट है, विच डियर वन और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू कुशन लाइक प्लेसेंटा। ठीक है, और जिसपे ये बैठा रहता है, कल मैंने दिखाया था एक फूल खोल के आपको,
नीचे का हिस्सा, इस हिस्से को थैलेमस कहते हैं, इसको पैडिसल कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, समझे? इजी तरीके से आपको समझा दिया गया कि कौन कौन से पार्ट हैं। अब तो ये मैंने कार्पल का फोटो बनाया, आप कह सकते हैं कि मैंने पिस्टल का फोटो बनाया, ठीक है। एक कार्प मोनोकार्पलर, दो कार्पल बाय कार्पलर, ज्यादा कार्पल मल्टी कार्पलर। तो बच्चों देखिए, ये जो कार्पल्स हैं, माना कि किसी में चार पांच कार्पल हैं और सारे के सारे आपस में चिपक रहे हैं, या सारे के सारे आपस में अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब ये कार्पल्स फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे रोज है, गुलाब देखोगे तो आपको उसमें कार्पल अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है। लेकिन अगर आपने टमाटो देखोगे, मस्टर्ड देखोगे, तो इनके जो कार्पल हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो हम उनको कहते हैं सिनकार्पस, एपोकार्पस सिनकार्पस। इज दैट क्लियर? ये नाम जो मैंने बताए, अब मैं लिख रहा हूं। तो अगर ओवरी मल्टी कार्पलरी है, मल्टी कार्पलरी ओवरी, इसका मतलब मोर देन वन कार्पल, तो क्या कंडीशन होगी? दो कंडीशन हो जाएंगी। पहली, या तो कार्पल फ्री होंगे, दूसरी, या कार्पल फ्यूज हो जाएंगे। अगर फ्री होंगे तो इस कंडीशन को एपोकार्पस कहेंगे, और अगर फ्यूज हो जाएंगे तो इस कंडीशन को सिनकार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल देता हूं, इसका एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज, और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। एंड टमेटो। अब ये जो कार्पल होता है, जैसे ये है कार्पल, ठीक है, हमने ये काट दिया। जब काटोगे तो इसमें चैम्बर देख सकते हैं, देखो तीन चैम्बर, या दो चैम्बर, या चार चैम्बर, और इन चैम्बर में होते हैं बीज, बीजों को ओव्यूल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? टेट्रालोक्युलर। इसको दो है तो बाईलोक्युलर, तीन है तो ट्राईलोक्युलर, और टू ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, यानी हर किसी में दो दो ओव्यूल भी है, दो दो बीज भी है। टमाटर काटोगे तो ढेर सारे ओव्यूल है एक एक में। अगली कंडीशन आती है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ लोक्यूल। ये लोक्यूल क्या है? चैम्बर। इन एन ओवम। मैं इसे ओवरी कहूंगा, ओवम की बजाय। तो इसके आधार पे इट मे बी यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर एंड सो ऑन। कितने भी हो सकते हैं, और जो हर ओवरी होती है, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू ए फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा। एक बात ध्यान रखना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल है ये तो बना लेगा बीज, और ये ओवरी है इससे बन जाएगा फल जिसे आप खा लेते हो। ये फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जो अंदर प्लेसेंटा बताया उसके बारे में भी कुछ जानकारी है। ये प्लेसेंटा कैसा होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटेशन।